हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी अब खुद को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गई है। रोहतक के प्रदेश कार्यालय में भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री और विधायकों ने शिरकत की। भाजपा की बैठक में प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मीणा, रणबीर गंगवा, कृष्णलाल पवार, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, सुभाष बराला, हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और महिपाल ढांडा पहुंचे। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में पार्टी के संगठन का और विचार का बड़ा महत्व है। पार्टी का संगठन कार्यकर्ताओं की ताकत और उसकी संविधान और परंपरा से चलता है, और इसलिए उसका एक महत्वपूर्ण कारक है पार्टी का संगठन, जो धरातल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जाता है, और उसकी पहली बुनियाद है पार्टी की सदस्यता, मेंबरशिप। हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नए सदस्यता अभियान में 10 करोड़ से भी ज़्यादा नए सदस्य जोड़े हैं। इससे पहले भी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाती थी, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए पिछली बार 17 करोड़ नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर एक कीर्तिमान किया था। आज उसकी कार्यशाला है और आने वाले समय में हम लोग व्यवस्थित तरीके से जिला और फिर मंडल, इसमें पार्टी की कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और नवंबर के प्रथम सप्ताह में हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा भी दूसरे प्रदेशों की तरह अच्छी रिकॉर्ड सदस्यता भी करेगा और एक धरातल पर अच्छा संगठन भी खड़ा करेगा, ताकि सरकार और संगठन मिलकर हरियाणा के लिए उत्थान के लिए काम करें। सर, कौन कौन पहुंचने वाले हैं इसमें, कौन कौन नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं? अभी दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में इसकी शुरुआत होगी, और अलग अलग समय पर पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर जो बाकी और भी लोग हैं, अलग अलग अवसरों पर इस वर्कशॉप में शामिल होंगे और सदस्यता को गति देंगे। वहीं इस मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने भी बीजेपी और पीएम मोदी के काम गिनाए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। महिपाल ढांडा ने कहा कि बीजेपी पहले देश और फिर समाज के भले में सोचती है, लेकिन कांग्रेस नेता अपनी व्यक्तिगत सुख को आगे रखते हैं। सदस्यता बनाने का अभियान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये और अपने ही रिकॉर्ड तोड़े, ये हम लोगों ने टारगेट रखा है। तीसरी बार जो हमारी सरकार बनी, हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे बनी। ऐसे कार्यकर्ता जिन लोगों ने मोदी जी के इस सूत्र को फॉलोअप किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये लोग चौटाला करते, ये कांग्रेस वाले जो रुक के मारा कर दे कि भाई मारी सरकार बनगी, राम तो बनते नौकरी अपने हिसाब से लगाओगे, लगा लो बाबा जी का ठुल्लू, है ना। देखो भाई, हमने पहले ही कहा था कि भाई हम कार्यकर्ता हमारे पास भी हैं, लोग हमारे पास भी हैं, हम भी चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी लगा लेते, मगर नहीं, सारी दुनिया में भारत को विश्व का सबसे ताकतवर देश बनाना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है स्टार्टिंग से ही, पहले देश, फिर मेरी पार्टी और लास्ट में मैं, इसलिए देश को तवज्जो दे रहे हैं। और जब हमारे देश की एक हमारी जो अपनी विचारधारा, उस विचारधारा ने तय कर लिया कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो इसलिए हमारा भाजपा का कार्यकर्ता अपने तमाम स्वार्थों को छोड़ के अपनी मेहनत के दम पे हमने दुनिया में खड़ा होना है, अपनी मेहनत के दम पे आत्मनिर्भर हरियाणा बना के आत्मनिर्भर देश बनाना है, तो जरूरी है कि हम लोग सबको साथ लेके चले, 36 बिरादरी को, सब समाज को साथ में लेके आगे बढ़ते जाना, ये हमारा मूल सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पे हमने अपनी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई। जो लोग मुंगेरी लाल जी को रोज सपने में बेड में लेके सोया करते, आज वो हक्के बक्के हैं, सो दिनियाली, उनने पानी नहीं पिया जा रहा, लगते नीचे नहीं उतर रहे, बोले यू के हो गया, होना के था भाई, सरकार बन गई बीजेपी की, और होता के अब वो लोग विपक्ष में भी अपने नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, अब वहाँ जूत बज रहा है, कह रहे कि भाई विपक्ष का नेता कौन बनेगा, वो कह रहा है यू बनेगा, वो कह रहा है यू बनेगा, सौदेबाजी शुरू हो गई कांग्रेस में। महिपाल ढांडा ने कांग्रेस को जमकर घेरा और लपेटा भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तक सदन का नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है,
क्योंकि उनकी पार्टी में इस पद पर भी जमकर खींचतान चल रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।